पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव का क्षेत्र का असर बुधवार को राजधानी समेत आसपास इलाकों में देखने को मिला। दोपहर में मौसम का मिजाज बदलते ही लगभग एक घंटे की झमाझम वर्षा ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी। सितंबर के पहले सप्ताह के दौरान एक घंटे में राजधानी में सर्वाधिक वर्षा 14.5 मिलीमीटर दर्ज की गई। झमाझम वर्षा के कारण राजधानी के चारों ओर जलजमाव की स्थिति बनी रही। गांधी मैदान, कर बिगैया, आर ब्लॉक, कंकड़बाग समेत अन्य इलाकों में सड़क पर पानी भरा रहा। दिन में काले बादल के कारण कुछ समय के लिए अंधेरा छाया रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे में पटना सहित 3 जिलों में 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी और पश्चिम चंपारण में गरज सड़क के साथ भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे के दौरान पटना सहित 25 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस जबकि 37.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सीतामढ़ी में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में मॉनसून सीजन के दौरान सामान्य से 41% कम वर्षा दर्ज की गई। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। सीतामढ़ी के बोखरा में 78.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। पूर्वी चंपारण के अदापुर में 65.2 मिलीमीटर, लखीसराय के सूर्यगढ़ा में 55.6, दरभंगा के बेनीबाद में 47.0, सीतामढ़ी के नानपुर में 43.8, सीतामढ़ी के पुपरी में 42.6, अररिया के जोगीहाट में 42.2, मुजफ्फरपुर के बोछा में 34.4, बेगूसराय के मटियानी में 26.2, बांका में 24.8, सुपौल में 22.4, मधुबनी के झंझारपुर में 22.2, लखीसराय के चानन में 18.4, दरभंगा के जाले में 18.4, किशनगंज में 17.4 मिलीमीटर और बांका के अमरपुर में 17.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। बता दें, बिहार में बारिश का दौर लगातार जारी है। 3 जिलों में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों और खासकर किसानों से सावधान रहने की अपील की गई है। वहीं बीते 24 घंटे की बात करें तो कई जिलों में जमकर बारिश हुई। पटना में भी मौसम सुहाना हो गया, कई जगह पर जल जमाव की स्थिति भी देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।